तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सुमन और आज हम बनाएंगे आलू का पराठा, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। ये डालकर आप लोग ज़रूर ट्राई करना बनाकर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कम टाइम में भी बनता है। पराठे तो आप लोगों को पता ही है, सबको पसंद होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और एक ख़ास बात, इंस्टा और एफबी पर अभी तक जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है जाइए वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। लिंक्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आईडी आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगती हैं और वो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट क्या है वो मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर है नमक, सारे मसाले, और ये है हरा धनिया और हरा प्याज, हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ और कूटा हुआ लहसुन, और उबले हुए आलू। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच के आसपास, तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, अब हम इसमें मिलाएंगे कटे हुए प्याज, लहसुन, और मैंने इसमें धनिया और हरे प्याज का रेशियो आधा आधा लिया है। यही मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि मैं हरा प्याज जो रहता है उसको भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। हरा प्याज और धनिए का रेशियो आधा आधा लेके आप लोग कर सकते हैं। इसे मिलाकर एक बड़ा मतलब बाउल में लीजिए, बाउल में आधा हरा प्याज और आधा हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मैश कर लेंगे। इसे कोई तड़के की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपली आप इसी तरह से फॉलो करके इसे बनाइए। और इसमें हरा प्याज काफ़ी टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये खाने में। तो इसे हम अब अच्छे से मिला ले रहे हैं, और ये देखिए हमारा पेस्ट हो गया है रेडी। अब हम करेंगे इसकी स्टफिंग। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पराठे बना सकते हैं, और यहाँ इसे हम भर ले रहे हैं। अब इसे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। किस किस को आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी वेरिएशंस के साथ, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसे हम सेकेंगे। सेकने के लिए तेल, घी, बटर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से सेकेंगे, दोनों तरफ ब्राउन स्पॉट्स अच्छे से सुंदर से आ जाएंगे तब तक। यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ काफ़ी अच्छा सुनहरा भुन सिकना स्टार्ट हो गया है मेरा पराठा।
मतलब आलू का पराठा। इसे हम सभी तरफ से हल्के हल्के से दबाते रहेंगे ताकि वो चारों तरफ से इक्वली पके। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पराठा अच्छे से सिक गया है। और यहाँ ये हो गया है हमारा पराठा रेडी। और इसे हम सर्व करेंगे धनिया और पुदीने की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। और इसके ऊपर आप बटर, घी जो भी लगाना चाहे एक्स्ट्रा में लगा के खा सकते हैं। तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ में। हरे प्याज के पत्तों को इसमें इंक्लूड कीजिए और बनाइए, देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे वीडियोज़ देखते रहो।